तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लेई। न्यूक्लेई मतलब न्यूक्लियस, ठीक है ना। हमें पता है कि एटम्स, एटम्स की जो खोज हो गई थी वो चैप्टर हम लोग पढ़ लिया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस पता चला और अपडेट होता ही गए, इन्फॉर्मेशन क्या होती गई, अपडेट होती गई, ठीक है ना। तो जब हम लोग न्यूट्रॉन पे पहुँचे तो हमें पता चला कब, द न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक इन 1932। तो किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। और इसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही वॉज अवार्डेड द 19th नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर दिस डिस्कवरी। चैडविक कंक्लूडेड दैट द पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स ईच हैविंग मास नियरली दैट प्रोटॉन एंड दिस पार्टिकल वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो क्या बताया कि एटम्स के सेंटर में प्रोटॉन के साथ में कुछ चिपका हुआ है, प्रोटॉन के साथ में कोई चीज चिपकी हुई है, उसको नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। चैडविक कंक्लूडेड दैट द पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल ईच हैविंग ए मास नियरली दैट ऑफ प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का मास रहता है। बट चार्जेस की बात करें तो न्यूट्रॉन चार्जेस क्या रहता है, न्यूट्रल, उसके पास कोई भी चार्जेस नहीं होता, फिर भी चिपके हुए हैं, फिर भी ये प्रोटॉन के साथ में चिपका हुआ है। क्यों, कैसे, क्या है, ये सब आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक इक्वेशन है हीलियम बेरियम की, यहाँ पे न्यूट्रॉन का एक इक्वेशन दी गई, इसको आप याद कर लो, इस पर आपको डेरिवेशन या ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। बाद में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो किस तरीके से प्रोटॉन डिटेक्टर लगाया गया लेड ब्लॉक के अंदर चारों तरफ, और अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, ठीक है। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न्यूट्रॉन का, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है, देखो न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसके चार्ज नहीं, बट इट मास इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन से थोड़ा सा, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है चार्ज, सॉरी मास। बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है, सो दैट सो न्यूट्रॉन हैव लो आयोनाइजिंग पावर। बीइंग न्यूट्रल न्यूट्रॉन आर नॉट रिपेल्ड और अट्रैक्टिव बाई द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ओके। दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन के, जो आजकल एटम बम है ना, जो न्यूक्लियर बम बोलते हैं जिसे, या न्यूक्लियर एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग लाइट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी हैवी लेवल पे एनर्जी होती है, तो ये न्यूट्रॉन की वजह से ही हम लोग कर पाते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो किस तरीके से हम लोग रेडियो एक्टिविटी करा पा रहे हैं, रिएक्शन करा पा रहे हैं न्यूट्रॉन्स का, किस तरीके से हीट एनर्जी हम लोग निकाल पा रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, काफ़ी एडवांस लेवल या काफ़ी हैवी लेवल पे इसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो न्यूक्लियर फोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा जूम इन करो, इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि द एवरेज सेपरेशन, छोटा करो, सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज अबाउट 10^-15 मीटर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ये न्यूक्लियर फोर्स का, हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं, मैंने अभी दो एग्जांपल लिख दिए मैंने, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव भाई क्यों है अंदर, प्रोटॉन अंदर क्यों है बोलो, प्रोटॉन तो रिपेल करना चाहिए, प्रोटॉन तो क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए ना, रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, सेम चार्ज है प्रोटॉन का। चलो न्यूट्रॉन छोड़ दो यार, न्यूट्रॉन को छोड़ दो, तुम प्रोटॉन की बात करो, प्रोटॉन क्यों है, रिपल क्यों नहीं कर रहे, यानी कोई तो इसे बांधे हुए है, कोई तो इसे बाइंड किए हुए है, कोई इसे पकड़े हुए है, कोई इसे चिपकाए हुए है, तो वो जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियर फोर्स जो कि रिपेल नहीं होने दे रहा है, जो कि रिपेल नहीं होने दे रहा उसके भाई एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन क्यों है? प्रोटॉन से रिपेल होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, आपस में रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, सेम चार्ज है। तो कौन पकड़े हुए है, कौन उसे बांधे हुए है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो द एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, अच्छा न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, इज अबाउट 10^-15 मीटर। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, और छोटा करो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट इनसाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड अ टाइनी न्यूक्लियस। तो 10^15 का क्या मसला है? मतलब अगर दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस 10^15 नहीं -15, ओके शायद मैंने 15 बोल दिया है, -15, ठीक है ना, तो 10^-15 है अगर इतना डिस्टेंस है, इतना, तो ये बंध जाएगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी अगर ये डिस्टेंस पे है। अगर इससे कम है तो भी नहीं काम करेगा, नहीं आपस में चिपकेंगे, या इससे तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया ज़्यादा, है ना, प्रोटॉन को हमने यहाँ और यहाँ कर दिया तो भी ये रिपल करना शुरू हो जाएगा, फिर अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आ जाएगा अगर इसके डिस्टेंस तो कम किया या ज़्यादा, अप्रॉक्स 10^-15 -14 -16 इसके आसपास में क्या होगा, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा और प्रोटॉन को बांध के रखेगा, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियर फोर्स की? स्ट्रॉन्गेस्ट, छोटा क्यों नहीं कर रही हो, मेक इट स्मॉल, वाई बिग? हाँ उधर जाओ उसे लेके पिक्चर को, ओह हाँ इसे, अब ठीक है, अब ठीक है। सो प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है, इसका जो इंट्रैक्शन है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन बने हुए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट है, शॉर्ट रेंज है लेकिन, हाँ शॉर्ट रेंज में काम करेगा, अगर दूर दूर जाएंगे तो नहीं काम करेगा फिर, ठीक है ना, फिर रिपल करना चालू हो जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन। वेरिएशन विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस आगे पीछे करोगे तो फोर्स आगे पीछे होने लगे, मैंने कहा ना इसके पास रहेगा इतना अप्रॉक्स तो सबसे ज़बरदस्त काम करेगा ये, इसके अप्रॉक्स रहा तो, नहीं तो क्या होगा, रिपल्सन हो सकता है, ठीक है ना। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, चार्ज पर कहाँ डिपेंड कर रहा है यार ये, है ना, चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सैचुरेशन इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट वहाँ वो होता है जहाँ पर हमें पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम फोर्स मिले या मैक्सिमम कुछ वैल्यू मिले, भाई उसे बोलते हैं सैचुरेशन, है ना, जैसे लास्ट ईयर हम लोग ने लास्ट टाइम EMW में पढ़ा था सैचुरेशन करंट, है ना, कि मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है या एक वैल्यू उसके बाद वैल्यू नहीं मिल पा रही मैक्सिमम, उसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा वो इस डिस्टेंस पर मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आई? आई बात समझ में? स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, स्पिन एक्चुअली होता है क्या मालूम है, अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये थोड़ा स्पिन कर करके आपस में स्पिन करते रहते हैं ऐसे ही अपने एक्सिस में, ठीक है ना, तो अगर पैरेलल स्पिन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है आपको उतना भी डिटेल में नहीं है, अगर ये पैरेलल में स्पिन कर रहे हैं सेम एक्सिस से पैरेलल में स्पिन हो रहा है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्सेस मिलेगा। एक्सचेंज फोर्सेस, फोर्सेस को एक्सचेंज करते हैं, नॉन सेंट्रल, कोई फोर्स में सेंट्रलाइज नहीं है, फोर्स कहीं पर सेंट्रलाइज नहीं होता है, हाँ सेंट्रलाइज नहीं होता है। अब जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है वो आपस में क्या होंगे, चारों तरफ से बंधे होंगे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ये दिया हुआ है कि देखो ये तुम्हारा डिस्टेंस है, -13 लिया है क्योंकि सेंटीमीटर में, क्योंकि किसमें
अदरवाइज माइनस 15 यू कैन टेक. तो 1, 2 तो जिस देखो यहाँ पर एक अप्रोक्स यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स मिल रहा है मैक्सिमम. फिर धीरे धीरे अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है पॉजिटिव पी हुआ जा रहा है. धीरे धीरे डिस्टेंस घटा रहे हो तो यहाँ पे नीचे निगेटिव हो जाएगा या रिपल्सिव बढ़ता जाएगा. रिपल्सिव क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में. ठीक है तो बस यही बताया गया है इस बेसिकली इस ग्राफ का मतलब यही है कि पर्टिकुलर पॉइंट में आकर पर्टिकुलर डिस्टेंस में आकर अप्रॉक्स 10^-15 पर आकर यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा. क्या होगा मैक्सिमम होगा ये समझाने की कोशिश की गई. पीछे डस्टर उठाओ. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या प्रॉपर्टीज हैं ये तो पढ़ ही लिया था. आगे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं ना. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होता है पता तो है हमें अभी तो सीखा क्या होता है बोलो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक लेट हिजनबर्ग टू पर्पस प्रपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस इन 1932. ठीक है ना. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस. द प्रोटॉन गिव पॉजिटिव चार्ज वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर गिव इट मास. दोनों मिला के मास देंगे. तो फंडामेंटल पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज हमें पता है 1.6×10^-19 कूलम होता है. मास कितना होता है इसका 1.6726×10^-27 मतलब 18,830 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतना ज़्यादा मतलब प्रोटॉन भारी होता है ना मास से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन भारी होता है. कितना भारी होता है इतने टाइम्स लगभग इतने टाइम्स भारी होता है -31 किलोग्राम होता है ना 9.31 तो इतने ज़्यादा इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है क्योंकि प्रोटॉन भारी होता है. प्रोटॉन क्या होता है भारी होता है इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है प्रोटॉन मूव नहीं करता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम मास के अप्रॉक्सीमेटली सेम मास के हैं. देखो न्यूट्रॉन का 1.6749 है और प्रोटॉन का 1.6726 है ना बिल्कुल स्लाइटली फर्क है स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन. नेक्स्ट अब देखो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के यहाँ पर हम कुछ टर्म सीखेंगे. जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स वर्ड मैं जहाँ जहाँ यूज करूँ तो इसका मतलब क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बोलेंगे. ठीक है. एटॉमिक नंबर क्या होता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर. ये याद रखो यार ये सब चीज़ें ये तो पता ही है बचपन से. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. इट इज डिनोटेड बाय जेड. जेड मतलब प्रोटॉन का नंबर कि कितने न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एंड व्हाट इज ए हियर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों का नंबर मिलाकर उसे हम लोग बोलते हैं ए दैट इज कॉल्ड मास नंबर. अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो जेड को तुम माइनस कर दो बचा कुछ क्या हो जाएगा ए माइनस जेड कर दोगे. भाई ये तो जेड है ना ये जेड है प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या है जेड है. तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तुम्हें तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड कर दोगे. जेड मतलब प्रोटॉन ए मतलब दोनों का मिलाकर ए मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उसमें प्रोटॉन हटा दोगे बचा कुचा न्यूट्रॉन आ जाएगा. तो ये काफ़ी बार यूज होता है ए जेड काफ़ी बार यूज होता है. ठीक है ना.
फिर बाद में न्यूक्लियर मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई न्यूक्लियस का मतलब ही क्या हुआ, टर्म से मतलब समझो ना, टर्म से मतलब समझो। तो न्यूक्लियर मास की बात हो रही है, अब न्यूक्लियस में जो जो बैठे हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियस मास कहेंगे या न्यूक्लियर मास कहेंगे। न्यूक्लाइड, इट इज स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज बाय इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर हमें किसी का न्यूक्लाइड बताना है किसी एलिमेंट का, तो अगर हम उसका मास नंबर और एटॉमिक मास बता रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लाइड। ठीक है ना, क्या क्या बताना है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए, ऐसे बोल लो जेड ए एक्स या जेड एक्स ए बोल लो। जेड मतलब इस एलिमेंट का प्रोटॉन का नंबर, कितने प्रोटॉन है। ए मतलब इस एलिमेंट का न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो सर न्यूट्रॉन कहाँ गए, तो भाई ए माइनस जेड कर लो, कौन मना कर रहा है आपको, न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन निकाल लो। सो वेयर एक्स इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, हीलियम है, यूरेनियम है, जो भी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोमर। ठीक है ना, ये एग्जाम में आते ही हैं दो नंबर के, ठीक है ना, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसोमर, तो सिमिलर नाम जैसा लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लासीफाई करना पड़ेगा कि टोप्स है, ये बार्स है, ये टोन्स हैं, ये मर्स हैं। ठीक है ना, तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब वो एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, भूलना मत, एटॉमिक नंबर मतलब। तो जिसके पास प्रोटॉन सेम है, रिजल्ट सेम है, वो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे आइसोटोप, टोप, पी, पी फॉर प्रोटॉन, है ना, ऐसे याद कर सकते हो यार, आइसोटोप, पी फॉर व्हाट, प्रोटॉन, मतलब जिसके प्रोटॉन सेम है, जिसके जेड सेम है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखो, वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखो, क्या क्या बोलो, जेड, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, ये सब बात एक ही है, ये सब एक ही बात है ना, क्या क्या, एटॉमिक नंबर कह लो, जेड कह लो, प्रोटॉन कह लो। एग्जांपल के तौर पे प्रोटियम वन, देखो नीचे मतलब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, राइट, है ना, वन वन, वन टू, वन थ्री, ट्रेट्रियम का, डियोट्रियम का, तो नीचे देखो एटॉमिक नंबर सब में सेम है, प्रोटॉन यहाँ पर ही वन है, प्रोटॉन यहाँ पर ही वन है, प्रोटॉन यहाँ पर भी वन है। शीट उठी हुई ना, तो इधर से देखने पे सर्कल, रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा बेटा, और राइट हैंड बजीत गए, जाओ राइट हैंड, मतलब राइट हैंड, हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड मतलब, ओके ठीक है, समझ में आया। तो कैसे मालूम पड़ेगा, आइसोटोप, पी, प्रोटॉन सेम, एटॉमिक नंबर सेम, जेड सेम, नीचे वाला नंबर सेम, है ना। चलो, आइसोबार द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो मतलब इसी का उल्टा यार, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहे कि मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, मतलब दोनों का टोटल करोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो सेम है, बट प्रोटॉन अलग अलग रहेंगे, प्रोटॉन अलग अलग। इसी का अपोजिट, आइसोटोप का अपोजिट आइसोबार, आइसोटोप का अपोजिट आइसोबार, यहाँ पे क्या है, बट डिफरेंट मास नंबर, ये भी बोलना था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, मास नंबर ऊपर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो आइसोबार का मतलब, आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास,
और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का मतलब, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में क्या फर्क है? हाँ, और एटॉमिक नंबर इसमें खाली वो एटॉमिक नंबर है, उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया आइसोबार एंड आइसो टोन, ऊपर करो, बाकी कहाँ गए? आइसोबार और आइसोटोप और आइसोबार हो गया, आइसोमर आइसोटोन, ठीक है? तो समझ में आ गया आइसोटोप आइसोबार। अच्छा, आइसोटोन क्या है? आइसोटोन, न्यूट्रॉन, टोन, न्यूट्रॉन, तो जिसमें सेम न्यूट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो उन कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स, ठीक है ना? तो आइसोटोन को हम ये कह सकते हैं ए माइनस जेड इज इक्वल टू सेम। भाई ए माइनस जेड का मतलब ही तो न्यूट्रॉन होता है, ए माइनस जेड का मतलब ही तो न्यूट्रॉन होता है, तो ए माइनस जेड करने पर अगर सेम आ जाए, न्यूट्रॉन सेम है, तो उसे बोलेंगे आइसोटोन। और आइसोमर में क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसे बोले आइसोमर। इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव बेस पे आते हैं एक नंबर के, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इसमें तो जो डायग्राम बना हुआ है, अब यहाँ पर देख लो, एक दो तीन, एक दो तीन, यानी सेम प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेम प्रोटॉन हो जाए तो वो आइसोटोप, पी फॉर प्रोटॉन, ठीक है? इसी का उल्टा फिर ये आ जाएगा, सेम प्रोटॉन डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार का सेम मास नंबर डिफरेंट प्रोटॉन, और आइसोटोन टोन्स न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन के पॉइंट छोटा कर दो, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है, एटॉमिक मास समझना, छोटा करो, बहुत बड़ा। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूनिट में परचेस करते हैं, डीलिंग करते हैं। अब जैसे कि हम आटा लेने गए, शक्कर लेने गए, तो हम लोग आटा शक्कर किस में लेंगे? किलोग्राम में लेंगे। लेकिन भाई अगर गोल्ड या फिर सिल्वर या कुछ ऐसी महंगी चीज़, कॉस्टली चीज़ लेने गए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो किलोग्राम हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। हम लोग ग्राम में, तोला में, ग्राम में, बेसिकली अब ग्राम में हो गया, तो ग्राम में हम लोग वो लेते हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम गोल्ड। तो ठीक इसी तरीके से इसकी यूनिट इतनी छोटी है, मास एटम इसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की, तो किलोग्राम में बोलना हमें उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, हमें किलोग्राम में बोलना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। तो हमने एक नई यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम दिया है एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया? ओके, तो लिखा है द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज दिस मच, विच इज वेरी स्मॉल, नॉट कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ, सो मास ऑफ एटम, सो एमयू इज डिफाइंड, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल टू द 12 एटम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड, अगर 12 एटम कार्बन एटम है उसको हमने 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर दिखाया है, तो अगर एक का दिखाना है तो 1/12 कर देंगे, तो 1 का आ जाएगा, छोटा करके पूरा पेज लिया करो, हाँ ठीक है ना? सो वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड दिस, सो वन एम यू इज, तो फाइनली आपको ये मालूम होना चाहिए, फाइनली आपको क्या मालूम होना चाहिए? ये मालूम होना चाहिए, वन एम यू इज दिस मल्टीप्लाई 10^-27 किलोग्राम। आसान हो गया, बार बार इतना लंबा बोलने से अच्छा है हम ये बोलेंगे कि यार ये 2 MU का वजन है, 2 MU मतलब 2 × 3 MU मतलब 3 × मच किलोग्राम, -27 में है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी लाइट है ना? नेक्स्ट, समझ गया एम यू का मतलब, तो 1.66 × 10^-27, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस
कॉपर का इसका क्या रेडियस कितना है? रेडियस के लिए फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, आर इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3। ए क्या है? एटॉमिक मास। आर नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1.2 × 10⁻¹⁵ इंटू, अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ एटॉमिक मास, देखो इसमें कहाँ है एटॉमिक मास, 64 है ऊपर वाला, नीचे वाला जेड होता है, प्रोटॉन होता है। 64 की पावर 1/3, 64 को हम लोग कर लेंगे 4 की पावर 3। 64 क्या कर लेंगे 4 की पावर 3, बाहर 1/3 चल रहा है, चलाओ 3 से 3 कर गया 4 आ गया। सो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियर डेंसिटी, व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी? भाई मास है, एक वॉल्यूम है न्यूक्लियस के पास, तो उसकी डेंसिटी भी हम बता सकते हैं, है ना। मास है और वॉल्यूम है तो उसकी डेंसिटी भी बता सकते हैं। तो यार डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला हमें पता ही है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला। तो मास के लिए हमने क्या लिखा देखो जरा, मास इंटू एटॉमिक मास, मतलब जितने लोग हैं सबका मास लेना पड़ेगा ना। एटॉमिक मास का मतलब क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो सभी का तो मास लेना पड़ेगा। तो एक मास से प्रोटॉन का या न्यूक्लियर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो एक कोई भी ले लो, ठीक है ना। तो m इंटू ए कर दिया हमने। अरे भाई 2 किलो का एक समझो है कोई चीज और अंदर 6 लोग बैठे तो इंटू 6 नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एटॉमिक मास, कितने लोग हैं, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ठीक है, तो दोनों का कोई भी एक ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्योंकि हमने कहा कि एटम एक स्फीयर टाइप का है, तो स्फीयर का ही वॉल्यूम पकड़ लेंगे, 4/3 πr³³ a, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है ये पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव की हुई है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है ना, थोड़ा सा पार्ट रह गया मेरे ख्याल से ना। तो ये चलो इसका अभी हम इसका डेरिवेशन करा देंगे। सो ए से ए कट जाएगा, बचे क्या 3 × m³ रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज नॉट रेडियस, ओके, ये रेडियस नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है यार, ठीक है ना। आगे बोलो, तो ये फॉर्मूला तुम याद रखोगे फाइनली क्या, 3m/4πr³³ फॉर व्हाट, फॉर द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ द नेक्स्ट अब इसमें बताओ आइसोबार कौन से हैं, आइसोटोन कौन से हैं, आइसोटोप कौन से हैं, टोप पी पी फॉर प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन्स होने चाहिए, नीचे के नंबर सेम होने चाहिए, तो ये और ये, और डिफरेंट मास होना चाहिए 14-12 डिफरेंट मास है और एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन जेड ये सब एक ही बात है क्या, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन जेड ये सब बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो दो निकल गए आइसोटोप, आइसोटोन, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, 12-6 करोगे 3-2 करोगे 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 20, 1 × 1 = 18 ना, 2 आ जाएगा, ये माइनस करो ये भी 1 × 1 = 18 आ जाएगा, 14-6 करो 8 आ जाएगा। तो ये मिल गया यार हमें क्या, आइसोटोन, न्यूट्रॉन्स,
आइसोटोन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकाला? फुल पूरा एटॉमिक मास से, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन आ गया। टोटल मास से एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? तो ये दो हो गए आइसोटोन्स। ओके, व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार इज अपोजिट ऑफ आइसोटोप। आइसोबार इज व्हाट? अपोजिट ऑफ आइसोटोप। तो मास नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर। तो ये वाला लग रहा है, ये ठीक है। तो ये एक नंबर, दो एक नंबर का आ जाएगा, आता है एग्जाम में, आता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो जो एक आध डेरिवेशन रह गई हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल्स का जब वो लेक्चर लेंगे तो उसमें हम आपको कराएंगे, जैसे कि वॉल्यूम का एक रह गया वो डेंसिटी, वो डेरिवेशन कराएंगे, ठीक है। बाद में बोला गया यार, हाउ डज द साइज ऑफ न्यूक्लियर डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर, हैंस एक्सप्लेन वाई द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। भाई कह रहा है कि डेंसिटी, बोल रहे हैं कि यार साइज अगर बड़ा है तो डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी का भी नॉर्मल इन जनरल, किसी का भी अगर मैटर का अगर साइज बड़ा है तो डेंसिटी में फ़र्क आना चाहिए। साइज अगर बड़ा है तो डेंसिटी में फ़र्क आना चाहिए, ऐसा बोला। लेकिन न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं है भाई। डेंसिटी ऑफ फार्मूला निकालो, पीछे से ऊपर करो, मतलब डाउन करो। हाँ, क्या है फार्मूला? ये फार्मूला है, अब बताओ इसमें कहीं पर भी न्यूक्लियस का रेडियस जैसे कुछ टर्म आया है क्या? नहीं आया, इसमें नहीं आया है ना। मतलब ये वॉल्यूम या एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। किसकी डेंसिटी? न्यूट्रॉन की डेंसिटी एरिया या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। एम, एम इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कौन, सब तो कांस्टेंट है ही, सब तो कांस्टेंट है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लेई, इतने भी न्यूक्लेई हैं। हाँ, फॉर्मूला, फॉर्मूला ही दिखाना है मतलब आपको, फॉर्मूला दिखा दिया, फॉर्मूला दिखाने में ये लिख देना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया और साइज ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। नेक्स्ट, चलो ये हो गया है आंसर, आगे करो, आगे करो। पता नहीं ये बार बार क्यों आ रहा है। हो गया सर। हाँ, ये देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। सी, न्यूक्लियर फोर्स का अगर हम रेशियो देखेंगे कितना ज़बरदस्त और कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। देखो ग्रेविटी को अगर वन मान लें और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाता है 10^36, इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का फोर्स है, दैट इज 10^38। यानी अगर ग्रेविटी से कंपेयर करो तो देख लो यार कितना टाइम ज़्यादा होगा। नॉट 38 टाइम्स, हाँ नॉट 38 टाइम्स, 38 टाइम्स ना बोलना, 10^38 है, बोला इतने जीरो आगे बढ़ गए, 38 जीरो, इसको 38 टाइम नहीं बोल सकते हैं। 38 होता तो जस्ट 31 और यहाँ 38 होता तब बोलते 38 टाइम्स। 10^38 है यार, 38 थोड़ी ना है, 10^38 है। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट रेंज है फोकस, ये पता ही हमें कि जो फोर्स है ये बहुत ही है, तो बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन लेकिन शॉर्ट रेंज है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। वेरिएशन विद डिस्टेंस वो तो बताया मैंने पहले ही कि लगभग जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है वो 0.8
फर्मी मीटर में होता है, मतलब ये अगर देख लो कि मैक्सिमम ये 0.8 समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ज़ीरो से थोड़ा सा 0.8 मतलब मैक्सिमम यहाँ पर ये ठीक है, वन से ये जो आ रहा है ना ये मिनिमम पोटेंशियल है, जब मिनिमम पोटेंशियल है मतलब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट तो ये पॉइंट हमारा पीछे ही छूट गया था, न्यूक्लियर साइज। ओके, कि न्यूक्लियर का साइज क्या है, देखो सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। ये बताया है क्या कि जितना ज़्यादा मास नंबर होगा कि भी किसी भी न्यूक्लियस का जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी होगा। सीधी बात है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हुए हैं अंदर तो साइज भी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि 4 by 3 pi r³ दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हम लोग न्यूक्लियस के एटम को एक स्फीयर जैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4 by 3 pi r³ का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मास नंबर से। मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। द रेडियस ऑफ रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर, ठीक है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि आर क्या होता है, मास नंबर के 1/3 के बराबर होता है न्यूक्लियस के। ओके, जब हम लोग एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे आर नॉट, यानी आर की जगह हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है ना। ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट देखकर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यानी आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू 1.2 × 10⁻¹⁵. तो ये होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। ऊपर जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, देखो इसका एक न्यूमेरिकल है, मतलब नीचे है, नेक्स्ट हाँ ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर दैट इज 2964। ओके, इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू हमें मालूम है, ए दैट इज एटॉमिक मास, नॉट नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करें, 64 को 4 की पावर 3 करेंगे, 3 कट जाएगा और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोग कर चुके हैं न्यूक्लियर फोर्स एंड ऑल। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो जरा एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, तुमने क्या किया, इसको एक बोरे में वजन किया, इसका वजन आ गया 10 किलो। मतलब समझाने के लिए एक बात बोल रहे हैं, समझाने के लिए एक बात कह रहे हैं, ये एक बोरे में भरा तो 10 किलो आ रहा था, जब हमने इसको अलग अलग वेट किया तो पी 3 किलो था, दूसरा पी भी 3 किलो था, दूसरा एन भी 3 किलो था, और दूसरा एन भी 3 किलो था, अलग अलग वजन करने में कितना आ रहा था, 12 किलो। यानी आप किसी सामान को अलग अलग वेट कर रहे हो तो 12 किलो आ रहा है, मतलब 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो।
लेकिन उसको ही हमने एक बोरी में भर दिया और उठा के वजन किया, तो वजन तो सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकली लॉजिकली वजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए भाई। 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो, 3 3 3 3 कितने हो गए? 12 किलो हो गए। लेकिन एक साथ तराजू में रखा तो 12 किलो क्या हो गया? वो 10 ही किलो दिखा रहा था। ये फिनोमेना देखा हमने किसमें? मास ऑफ न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस में, मास ऑफ न्यूक्लियस में हमने देखा, ठीक है ना। जब न्यूक्लियस का मास कर रहे हैं ओवरऑल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो अलग कुछ आ रहा है, और जब उसको अलग अलग वेट कर रहे हैं तो ज़्यादा दिखा रहा था। यानी कुछ मास कम दिखाने लगा जब पूरा न्यूक्लियस का वेट हमने किया, तो वो जो कम दिखा रहा था एक साथ जब हम वजन कर रहे थे, तो जो कुछ वजन कम दिखा रहा था उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। सो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड इट्स मास डिफेक्ट। तो कैसे मास डिफेक्ट कैसे निकाल सकते हो आप? अब मास डिफेक्ट कैसे निकाल सकते हो बताओ? डेल्टा एम, डेल्टा एम कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन का मास, है ना भाई? ये किसका मास है? ये किसका मास है? मतलब अलग अलग हमने मास किया, माइनस मास, बात समझो। ये तो हो गया प्रोटॉन का मास, ये ए माइनस एन मतलब न्यूट्रॉन का मास, ये आ रहा था समझो 3 + 5 8 आ रहा था। लेकिन जब हम एक साथ वजन कर रहे थे तो वो साथ ही आ रहा है, 7 आ रहा था, तो 8 - 7 मतलब मास डिफरेंट कितना हो गया? 1। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया भाई? अलग अलग का मास का टोटल ले लिया, जैसे 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो, अलग अलग का मास का टोटल ले लिया, प्रोटॉन का अलग मास ले लिया प्लस न्यूट्रॉन का अलग, ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन का मास, ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन का मास, है ना, ए माइनस जेड। टोटल में से प्रोटॉन हटाया तो न्यूट्रॉन बचेगा ना, मास में से जब ओवरऑल मिला के न्यूक्लियस का मास हम ले रहे थे पैकिंग करके, तब 7 आ रहा था, ऐसे 8 आ रहा था समझो। तो यानी 1 जो हो जाएगा वो डेल्टा एम आ जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट। सो इसी बेस से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब बाय दिस न्यूक्लियस। सो क्वेश्चन तुम्हें गिवेन है, व्हेन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को कंबाइन करके हमने क्या बनाया? हीलियम न्यूक्लियस। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज, और इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन निकलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन गिवेन, ठीक है। तो मास तुम्हें दिया हुआ है हाइड्रोजन का, मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था आपको कि मास डिफेक्ट के बारे में, कि यार वो मास जो डिफेक्ट है वो मास कहाँ गया, वो मास कहाँ गया? तो वो जो मास है, जो मास एक साथ रखने में कम हो गया था, वो मास उसकी एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो आइंस्टाइन ने बताया है E=mc² कि जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, उसको बाइंड कराने में, उसको इकट्ठा रखने में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध के रखने में वो जो मास कम हुआ था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कि भाई बांध के रखें इसको, ठीक है ना। कुल मिला के डेल्टा एम की बात हो रही है। तो मास डिफेक्ट भाई, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × हाइड्रोजन के मास माइनस बना क्या? हीलियम का न्यूक्लियस बना। क्या बना? हीलियम का बना ना, डेफिनेटली हील जो बना है बाद में वो छोटा होगा, अलग अलग में तो मास ज़्यादा होता है ना, जब उसको वापस पैक कर देते हैं वो मास क्या होता है? कम होता है। वही दोनों का डिफरेंस ही तो मास डिफेक्ट है। तो वही हमने किया कि हाइड्रोजन के 4 मास माइनस
हीलियम का एक मास, बाकी हाइड्रोजन का तुम्हें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर मास मालूम होना चाहिए। हीलियम का 2-4 होता है, करेक्ट? करेक्ट है सर। तो जो डेल्टा एम है उसी को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। मास को एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेशन हम आपको बता देंगे अभी। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सा है भाई, सी की वैल्यू रखो अपॉन जूल को किस में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मिलियन में है, मतलब 10⁻⁶ है, ठीक है? तो ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की, ये है देखो दिया हुआ 931 MeV, करेक्ट? तो ये याद रखना, क्या क्या याद रखोगे कि मास को तुम्हें किसमें, भाई यही है ना, एम सी स्क्वायर ही समझो एक तरीके से। वो सी स्क्वायर की वैल्यू हमने, सी मतलब 2.9, अगर 3 ना रख के एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट रखोगे, × 10⁸ का स्क्वायर, सी स्क्वायर है ना, फॉर्मूला क्या है आइंस्टीन का, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब सी स्क्वायर को तुम कन्वर्ट करोगे किसमें, मतलब पूरा ओवरऑल, तो पूरा किसमें आएगा, जूल में आएगा क्योंकि ई है, एनर्जी है, तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ करोगे टू कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस 19 ऊपर जाएगा, सी की वैल्यू रखना, एम जो भी है, एम जिस मास को तुम एनर्जी में बदल रहे हो, जिस मास को तुम एनर्जी में बदल रहे हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तुम चाहो तो करके देख लेना, ठीक है ना। लाइट की वैल्यू 2.99 समथिंग डालना, एग्जैक्ट 3 मत डालना, तो 931 आ जाएगा। रुको, वो न्यूमेरिकल कहाँ हुआ है अभी, रुको दो, समझ गए। तो जो भी मास आएगा उसको हमें एनर्जी में बताना है कि जो मास डिफेक्ट है वही किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। हम कह रहे हैं ना कि जब हम एक साथ रख रहे हैं सबको तो कुछ मास कम आ रहा है, अलग अलग में ज़्यादा मास आ रहा था यार, लेकिन एक साथ रखने में मास कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, मास कहाँ गया, तो वो एनर्जी में स्टोर हो गया, इन बांधने में से। उसको आगे चल के बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो चलो, 4 × हाइड्रोजन का तुम्हें दिया हुआ है, 1 है, तो एक बार ही ये लेंगे। 4 हाइड्रोजन हो तो 4 अलग है, हाइड्रोजन में एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही है, तो और भी यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो किसका मास रखना है, हमें हीलियम का मास ये दिया हुआ है, ये हीलियम का मास दिया हुआ है 4 × 33, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस का। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, चेक कर लो कैलकुलेटर में, इसका आंसर चेक कर लो और इनटू क्या कर देना, 931 कर देना, तो ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हीलियम का डायरेक्ट तुम्हें मास ऑफ हीलियम का डायरेक्ट दिया हुआ है, तुम्हें डायरेक्ट मास दिया हुआ है विद 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का मिलाकर डायरेक्ट मास दिया हुआ है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर करने का, एटॉमिक मास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट ही दिया ही हुआ है ना मास। तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 26.72। तो 931 MeV का मतलब समझे, ठीक है, ये समझे, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से वैल्यू आई है, सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, CBSE 2011 में आया हुआ भी है। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट एंड पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है यार, पैकिंग फ्रैक्शन वो होता है कि कितना मास डिफेक्ट आया डिवाइड बाई मास नंबर, कि पर
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना मास में फ़र्क आ रहा है। जैसे नहीं मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी, 3-3, 12 किलो आया था। कितने लोग थे पिक्चर में? 4 लोग थे। और ऐसे कितना आ रहा था एक साथ रखने में? 10 किलो आ रहा था, तो 2 किलो आ रहा था। तो पर पीस कितना बैठा? 0.5 किलो। भाई ये वही है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। हाँ, बुखार बहुत तेज है, मैं पढ़ाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, सो इफ पीएफ इज पॉजिटिव, डेफिनेटली अगर मास डिफेक्ट है तो पॉजिटिव रहता है। अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव में आ रहा है भाई, जैसे 12-10 आ रहा है, 12 मतलब अलग 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 करने पे, 10 मतलब एक बार में ही करने पर, ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? प्लस का ही 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो अगर पीएफ पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे देन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। न्यूक्लियस क्या है? अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, उथल पुथल है उसके अंदर। अगर यही नेगेटिव में आ रहा तो हम बोलेंगे स्टेबल। पीएफ नेगेटिव देन इंडिकेट दैट सम मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर एंड सो द न्यूक्लियस इज स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन मतलब मिलाकर, ठीक है ना? और न्यूक्लाइड मतलब, न्यूक्लाइड मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर और प्रोटॉन को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लाइड, करेक्ट? तो यहां पे यही कह रहा है कि पर न्यूक्लियॉन पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधने वाली एनर्जी है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बांधे रखे हैं या फिर इसको तोड़ना है तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए? एक ही बात है कि बांधने रखने में जितनी एनर्जी चाहिए या फिर तोड़ने में जितनी एनर्जी, एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियॉन, तो एक ही बात है वो, चाहे बांधने रखने में कह दो या एक्सट्रैक्ट करने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बाय मास नंबर। द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन बी रिटन एज। भाई ये तो हो गया तुम्हारा क्या मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, एनर्जी को कन्वर्ट करके। मास डिफेक्ट को हमने किसमें कन्वर्ट किया? एनर्जी में। भाई यहां तक मास डिफेक्ट हुआ, दैट इज एम डेल्टा एम कह लो इंटू एम सी स्क्वायर, अरे भाई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भाई सी स्क्वायर की जगह अगर तुम्हें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 931 से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर को हटाकर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बेसिक तो सी स्क्वायर है, ठीक है, मतलब जूल में आएगा। अपॉन यानी जो भी टोटल एनर्जी लग रही है, अपॉन एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे तो पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी आ जाएगी, पर पीस की, करेक्ट? तो भाई टोटल एनर्जी इतनी, भाई टोटल एनर्जी कैसे मालूम पड़ी? मास डिफेक्ट इंटू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी आ जाएगी। इसको सिंबॉलिक वे ये है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी टोटल उस पूरे न्यूक्लियस के डिवाइड बाई एटमिक मास, तो पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। आपको क्या दिक्कत है भाई?
आपको क्या दिक्कत है भाई? टोटल में से मास नंबर को तुम डिवाइड कर दोगे, आपको कोई दिक्कत है? बताओ, है जैनब कोई दिक्कत है? तुम तो कोई इकट्ठी कर लेगा अगर डिवाइड भाई ये कर दोगे? हाँ भैया इकट्ठी कर लेंगे, ना करो क्यों? हाँ, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, आ रहा है आपको? ये बताता है कि कहाँ पर किसको कितनी बाइंडिंग एनर्जी लग रही है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का है, यहाँ पे देखो यूरेनियम का है, ठीक है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इन MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? तो देखो इसके लिए कितनी कितनी लग रही है यार, इतनी लग रही है लगभग 8 समथिंग न्यूक्लियस के लिए, इसके लिए यूरेनियम के लिए। और हाइड्रोजन देखो, अगर ड्यूट्रम और ट्राइट्रम का देख लेंगे तो लगभग 2 और 3 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी हल्के हैं, ज़्यादा ताकत नहीं है बाइंडिंग करने के लिए। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बाइंडिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसमें पड़ रही है सबसे ज़्यादा। देखो इसमें पड़ रही है आयरन, आयरन देख लो यार Fe, इसीलिए देखो आयरन को हम बोलते ना मजबूत है बहुत, किसको अलग अलग करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत चाहिए, बहुत स्ट्रांग चुपका हुआ है आपस में इसके मॉलिक्यूल्स एटम्स सबसे ज़्यादा है भाई। बस तबीयत नहीं सही है वरना और बेहतर तरीके से बता सकते थे। कोई बात नहीं, चैप्टर के रिवीजन कराएंगे, चीज़ें समझेंगे, और उतना डिटेल्स में आपको दिया भी नहीं है। क्या इम्पोर्टेंस है पीछे जाओ, एक मिनट, एक टॉपिक रहेगा फिजन, फिजन नेक्स्ट उसमें कराएंगे। अरे ऊपर तो जाओ, एक ही स्लाइड तो रह गई है, वो कट्टी वाली बात सीरियस ले ली तुमने, पढ़ा देंगे तुमसे कोई कट्टी कर लेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, है ना? फिजन फिजन में आ गए कि नहीं आ गए? सो द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब एक्सट्रैक्ट होना, ब्रेकडाउन होना, और फिजन मतलब कलेक्ट होना, एक्यूमुलेट होना। सो न्यूक्लियर फिजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियस देन द मिडिल वंस, दैट इज हैवियर न्यूक्लियस आर लेस स्टेबल, ठीक है ना? जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। मैंने हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन चेंज फ्रॉम 7.6 MeV टू 8.4 MeV, ठीक है ना? जब हैवी न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस है ना, इसका एटॉमिक मास कितना है? 236 ना, 234। ऊपर देखो कर्व भाई, ये देखो 238 इतना है इसका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना? तो जो हैवी हैं वो जब लाइट में कन्वर्ट होते हैं, लाइट न्यूक्लियस छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस बन जाते हैं, हज़ारों ऐसी चैन, एक चेन होती है, आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, चेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस निकलेंगे और निकलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम दिस टू दिस एंड ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिजल्ट इन द लिब्रेशन ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी रिलीज करता है। एंड दिस इज वॉट हैपेंस इन न्यूक्लियर फिजन विच इज बेसिस ऑफ द एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर एनर्जी। एंड वॉट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियस, है ना? उल्टा हल्का है, दे आर लेस स्टेबल। सो वेन टू लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, दो जैसे कि नहीं हाइड्रोजन का हीलियम बना था, हाइड्रोजन से क्या बने थे? 4 हाइड्रोजन से हीलियम बना था, लाइटर से एक हैवी में गए। सो द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट इज द रिलीज
of the energy. This is what happened in nuclear fusion, which is the basis of the hydrogen bomb. हाइड्रोजन बॉम्ब तो एटम बम से भी खतरनाक है, अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लोगों के पास हैं, कंट्रीज के पास हाइड्रोजन बॉम्ब, वो फ्यूजन बेस पर है, और एटम बॉम्ब फ्यूजन बेस पर है, ठीक है। तो यहाँ तक में जितना मैंने पढ़ाया है, पहले इसको रिवाइज करना, कंप्लीट करना, उसके बाद यानी कि पहले जो डाउट्स होंगे वो आप लोग क्लियर करोगे, ठीक है। जब डाउट आपके क्लियर हो जाए तो ही उसके बाद हम लोग आगे का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, दो तीन टॉपिक रह गए, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके डाउट पहले क्या करना, क्लियर कर लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है।